मशीन को ना साफ़ करना पड़ता था क्योंकि ना इसमें ऑयल लगा रहता है, तो भाई थोड़ा मोड़ा ना ऑयल लग जाता है। और इसमें मैं ग्रीस लगा दिया था इसमें अच्छी तरीके से, और एक तरफ तो इधर डाल रहे हैं और एक तरफ मेरा भाई डाल रहा है इस तरफ। ये देखिए अब पता नहीं कितनी होगी, ये गिने 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 हैं, एक पन्नी में कितनी है, 350 और दोस्तों क्या हाल चाल, समझ है, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पर स्वागत है। सुबह के 6:30 बज गए हैं, अब तो पता है 6 बजे शाम को ही ना अंधेरा होने लगता है और सुबह 6-7 बजे तक सूरज निकलता है। 6:30 बज रहे हैं, सूरज बाबा निकल रहे हैं और सामने कितना ज़्यादा कोहरा है देखो। इधर ना हर साल कोहरा रीजन में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इधर आप जाओगे ना, मतलब आप कैसे जाओगे, मैं ही जाऊँगा, ऐसे आधा किलोमीटर के बाद ना नदी पड़ती है, तो उसी चक्कर में इधर कोहरा पड़ता है और ठंडी इधर बहुत तेज पड़ती है। एरिया पूरा खुला है ना, बाकी शहर में ना जहाँ पे हम लोग की दुकान लगती है वहाँ पे ना कम ही सर्दी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। और आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आपकी चप्पल आवाज़ करती है, मैंने चप्पल नहीं पहनी पता नहीं, मतलब ठीक है रगड़ती है, बालू है, डस्ट है, कंकड़ है छोटे छोटे, तो उसी की आवाज़ आती होगी। वही पानी पूरी बेलना है, सेट कर रहे हैं जब तक मैं थोड़ा सा घूम के आया था इधर से। 4 समोसा पार्सल, वीडियो बना रहा हूँ आपका मैं। अभी आ गया हूँ मैं डूडू हॉस्पिटल में, नहीं आए हैं समोसा लेने के लिए आए हैं। 4 समोसा पार्सल, मीठा 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 चटनी दे देना और वो तीखा वाला भी दे देना दोनों ना। खाइए जलेबी, खाइए जलेबी, का खाइए। 2 समोसा और पैक कर दीजिए। नमकीन वाला चटनी पिसा रहा है, मीठा मीठा चटनी दिया है। नहीं यार उसको, वो तो ज़रूरी है यार, मेरे पापा खाते हैं वही नमकीन वाला चटनी। तो रुको 5 मिनट, ठीक है रुक जाता हूँ। 2 समोसा और पैक कर दीजिएगा ना। एक तो ये ब्रेड भी ले लिया हूँ, ये है 30 रुपये का है, डेट तो ठीक है 9 अक्टूबर मैन्युफैक्चर डेट है। ये कितना हो गया इसका, 30 और 2 समोसा और ये लीजिए, 30 रुपये इसका, 2 समोसा और 30 इसका, 2 समोसा और पहले का समोसा का दे दिया। 60 रुपये हैं, 1-10 का नोट दे दीजिए ना, गिर जाएगा ये। अरे यार कुछ दे दीजिए ना खाने के लिए, चोको पाई दे दीजिए एक। 5 का जल्दी वापस ले सकते। अरे आप नहीं भी देते पैसे तो भी चलता मेरे को। नहीं वो तो अलग बात है, अब मैं भी नहीं देता तो भी चलता। चलता चल चल, छोड़ मेरे को छोड़। ले बेटा ये छोड़, उसमें ठंडा लग रहा है पता है फ्रिज। 6 समोसा पैक हो गया है, समोसा का रेट है 15 रुपये पीस। ये मीठा भी डाल देना हल्का सा मीठा ना। तभी दोस्तों ये कांच फूटा हुआ था तो इसमें मैंने टेप लगा दे रहा हूँ फिलहाल, अभी फिलहाल मैं इसमें टेप लगा दे रहा हूँ, फिर कांच फिर चेंज करवा लूँगा। मैं बोला था भैया से, कहाँ गया टेप भी यार, टेप भी चला गया। वही 20-25 मिनट का काम है, और समोसा लाया था उसका अभी तक खाया नहीं हूँ मैं। ये कि सफ़ेद रहेगा ना, सफ़ेदी टेप लगाया हूँ, सफ़ेद टेप था मेरे पास, दिखेगा नहीं, अब क्या पता ये निकल मत जाए। अंदर तक घुसा तो ये भाई लग तो गया, अब इसमें ना पानी पूरी खुली डालेंगे फिलहाल, बारिश वगैरह तो हो नहीं रही, धूप निकल रही है एकदम प्रचंड। ये मुर्गी आ गया देखो, देसी देसी दो। दोस्तों ये समोसा बना लेता हूँ, अभी समोसा फोड़ कर डाल दिया, और मिर्ची वाली चटनी भी लाया था। देखो ये समोसा 15 रुपये का ठीक है, लेकिन ना मेरे को इसी होटल का समोसा सबसे ज़्यादा पसंद है, बाकी कहीं और का लगता तो नहीं है। ये मीठी चटनी डाल दिया देखो, और इसके बाद आएगी इसमें मिर्ची वाली चटनी, और इसमें दही भी डाल दूँगा ना तो ये दही समोसा बन जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मैं प्याज काट दूँ इसमें, ये पापड़ी आ गया थोड़ा सा, ये बन गया भाई साहब समोसा चाट। अब इसके बाद खाना तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट देखो नहीं होता है, पहले ठेला ढकल के ले जाया करता था ना तो पचा रहता था, अभी दिक्कत होती है। वो वाला ठेला देख रहे हो ना आप लोग, उसको मैं बनवा लूँगा कम्प्लीट, तो उसके बाद वो शायद उसको मैं बनवा लूँगा, तो उसमें सामान लेके कभी कभी ले जाया करूँगा। एक भैया कमेंट भी किए थे कि एक ना बैकअप ठेला ले लो, कभी टेम्पू से ना ले जाना पड़े, मतलब मन ना करे तो उसको ढकल के ले जाना, उसके बाद फिटनेस भी रहेगी और मन भी, मतलब उस दिन हाथ पैर में दर्द भी तो होगा बहुत तेज, क्योंकि बहुत दिन बाद खेलूँगा इसीलिए।
शानदार भाई। तो अभी दोस्तों काउंटर की तरफ सरका देता हूँ और इसमें अभी दो पन्नी पानी पूरी डाल दे रहे हैं इसमें। अब पता नहीं कितनी होगी, ये गिने 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 हैं। एक पन्नी में कितनी है? 350। 350 दो पन्नी में 700 गिने हो? गिने। इस साइड में देखो ये सही होगी नहीं। 350 700 फुलकी हो गई। मान लो 10 रुपये की अगर मैं 6 भी देता हूँ तो ये 1100 रुपये की होगी। 1100 1250 की हो गई मान लो ये फुलकी। एक पन्नी और डालू ना? वह दो पन्नी हुई है दोस्तों, एक पन्नी और डलवा लेता हूँ। दो पन्नी देखो, वैसे पन्नी में डालता हूँ ना तो कितनी ज़्यादा दिखती है, लेकिन वैसे डाल दिए खुला तो देखो कितनी कम दिख रही है। ठीक है, काम तो आ गया, चलेगा। सब बस हो गया भाई साहब, पचका फुलकी वगैरह सब हो गया है। उस रोड में जाऊँगा तो उल्टा पड़ेगा, यहाँ पे पुराना हॉस्पिटल के पास तो मिल जाएगी। भागो 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 भागो। अरे धनिया पत्ती है का? का धनिया पत्ती नहीं है, आगे है। शायद 20 रुपये का 100 ग्राम देंगे या 30 रुपये का, शायद 30 का देंगे, महंगा हो गया मैं सुना हूँ। धनिया पत्ती कैसे? 10 का 50 ग्राम 20 रुपये का दे दीजिए 100 ग्राम। आंवला बिक रहा है, एक तो आंवला चेक करूँगा। सौ ग्राम है वो पत्थर पक्का? स्कूल के बच्चे खेला लेके आया, एकदम अचानक भीड़ हो गई बच्चों की और भी कुछ लोग के। सिर्फ फुल्की खिलाया हूँ, कम से कम 100 रुपये खिला लिया फुल्की। अभी अभी तवा सेट भी नहीं किया। इसमें नहीं खाना है? वहीं लोगों से खा रहा हूँ। काहे भाई खाया, काहे खा रहे लोगों से? नुकसान करवा रहे हैं मेरा। आपका कहें, अगर इन लोग नहीं खिलाते तो 10 रुपये खाता ना। और दोस्तों अभी जो मौसम बिगड़ा है ना, जैसे ये धूप आ रही है बहुत तेज, उसी चक्कर में ना मौसम बिगड़ा है तो देखो घर में सबको सर्दी है। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं उनको भी सर्दी है। और मैंने रोटी खा के नहीं आया हूँ, मेरी मम्मी बोली खा ले, दाल चावल भी थे लेकिन मेरा इच्छा ही था समोसा खाने पर ना पेट में फूलने लगा एकदम, तो मैं खाया नहीं। टिकिया फ्राई कर रहा हूँ अभी, टिकिया फ्राई कर लेते हैं। आज बाज़ार है, बाज़ार को जल्दी चला जाता है, थोड़ा सा मार्केट मतलब जल्दी बिक्री हो जाएगा तो सब्ज़ी वगैरह ले आऊँगा, कुछ मिर्ची उर्ची मिल जाएगा सस्ता। मान लो अभी मिर्ची मैं लाता हूँ 50 रुपये किलो, सॉरी 100 रुपये किलो, और बाज़ार जाता हूँ तो 40-50 रुपये किलो मिल जाता है, मतलब आधे रेट में पूरा पूरा। दो तीन किलो ले लेता हूँ ना तो फ्रिज में रख देता हूँ तो काम चल जाता है। और हरा वाला दोनों ही बचे हैं, मान लो 100 पीस लाए थे भाई, अभी इतने सारे बचे हुए हैं, ये भी आज ख़त्म हो जाएंगे शायद, तो आज बाज़ार में मिल जाता ठीक रहता है, क्योंकि बाज़ार बाज़ार को ज़्यादातर मिलते हैं और बाकी दिन ना के बराबर मिलते हैं। तो भाई साहब 4 बजने वाले हैं और रास्ता लगभग साफ हो चुका है पूरा, मतलब रास्ता साफ हो चुका है, इसका मतलब बिक्री अच्छी खासी हो गई है। बस वही 100 रुपये आइटम बचा हुआ, 100 या 150 रुपये का। 3:30 बज गए कि 4 बज गए, 4:15 हो रहे होंगे शायद, अभी 4 बज गए, 4:05 हो गया है। और भाई इतनी गजब की बिक्री हुई ना आज तो मत पूछो, 4 बज गया है, मालूम यही सामान बचा हुआ है, इसी को बेचने 5 बज जाएगा, टाइम मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन एक फ्लो होता है ना जो सेलिंग का, जिसमें पैसे ना मतलब जान पड़ते हैं, जैसे बिक्री कम होती है ना तो पूरा मटर को मेरे को मसाले में खिलाना पड़ता है, चाट की बिक्री होती नहीं है और चाट की सेलिंग नहीं होती तो पैसे का पता नहीं चलता है। मतलब मोटे आइटम जैसे होते हैं ना, वैसे चाट मोटे आइटम है, और पानी पूरी वही 10 खिलाओ 5 खिलाओ 100 खिलाओ, इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं भैया को पैसा गिनने के लिए दिया हूँ अपना, बताइए कितना है ना भैया? कितना हुआ? 45 सौ 1100 रुपये। तो कितने का सेलिंग हुआ आज? ये ना, हाँ यही हुआ, ये आपका पैसा है?
मेरा तो सामान खत्म हो गया भाई, खोलता हूँ त्रिपाल। स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है, मैं सोचा था निकल जाएगा, निकल ही गया स्कूल से पहले ही। 10 मिनट बाकी है अभी स्कूल की छुट्टी होने में। अभी चौपाटी में आ गया हूँ, सामान तो खत्म हो गया। अब मैं ये बताइए, आप मेरे बगल में दुकान लगाते हैं बोलिए, हाँ तो यहाँ आप भी जगह दे दीजिए ना मेरे को बगल में लगाने के लिए। लगा लूँगा, खाली है। सही में हाँ? ये नए फुल्की वाले हैं भैया, देखिए यहाँ पे मैं छतरी लगा लिए हैं, अभी सेट करेंगे ना। पानी लेके आना है, कुर्सी यहाँ लेके आओ, जो पानी यहाँ डालना है टंकी में। गड्डी बनेगा, गड्डी अभी चालू होगा। पानी लेके आते हैं ना भैया, यहाँ देखिए मस्त छाता लगाए हैं। ये वाला छाता कितने का आता है भैया? मालूम नहीं भाई, कहाँ से लाए? दूसरे जिले का है। दूसरे जिले का है, किराए में लेके आए हैं। अच्छा, किराए में लेके आए हैं। और ये पानी पूरी खुद बनाते हैं कि? अच्छा, ये पत्ता मंगाते हैं, पत्ता में खिलाते हैं ना। ठीक है, सही है। 10 कितने देते हैं आप? ये देखिए भैया का पानी है। मसाला का मतलब मटर यूज़ करते हैं खाली, क्या आलू भी? नहीं, खाली मटर। पत्ता में पहले मैं भी खिलाया करता था, लेकिन पता नहीं लोग खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। अब अभी तो फिलहाल दोनों ही लाया हूँ मैं, चलेगा। मोमोज की दुकान में ऐसा भीड़ होता है जैसे कि सही में बता रहा हूँ, फ्री मिल रहा हो। ठीक है, खोलिए खोलिए। अगर 10 रुपये का मुर्गा बना देंगे तो अगर बना दीजिए फिर। हाँ, ये लीजिए 10 रुपये। नमस्ते, मुर्गा बन गया। अब ये 10 रुपये में ना बेस्ट मुर्गा सूरजपुर का। तो अभी दुकान लेके घर आ गया हूँ और जाना है डूडू को हॉस्पिटल लेके। अब उसको सर्दी था ना, तो उसके नाक में ना हल्का सा घाव हो गया है। मतलब हम लोग ना जब उसका नाक पोछते थे, उसका नाक में हल्का सा घाव हो गया, तो उसको लेके जाना है। इसको तो नहीं है, इसको भी था, ये तो ठीक हो गई। शेरू को भी है शायद। अब बबुआ की मम्मी, इस देखिए हेडफोन का गाना सुनते सुनते घुमाते हुए बबुआ को। ये हॉस्पिटल आए थे, हॉस्पिटल का काम कर लिया, इसको भाप भी दिलवा दिया हूँ, सर्दी में जो भाप देते हैं ना स्टीम वो, और एक ट्यूब लिखे हैं नाक में जो घाव हो गया ना उसके लिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों अभी डूडू के लिए ना मैं ट्यूब लेने आ गया हूँ मेडिसिन, ये वाला दे दीजिएगा। ये तो नेबुलाइजर है, वो भाप देने वाला। भाप दिलवा के आ गए हैं इसको, मैं दिखाऊँ आपको। ये दिखा दिखा बेटा, ऊपर दिखा। ये देखो इसके नाक में चोट लगा है। ये मोबाइल नहीं दे दो भैया, ये वाला ट्यूब दे दो। अब दुर्गा पूजा के लिए देखो मस्त इसमें झालर लग जाएगी, और झालर के बाद लाइट वगैरह लगेगा ना, तो एक नंबर दिखेगा भाई 8-10 दिन के लिए। फिर तो उसके बाद सुना सुना दिखने लगता है। कैसे भैया? हाँ भैया, उनको समझ में नहीं आ रहा, देखिए ना उनसे पूछ रहे हैं। दोबारा लिखवा के लाऊं डॉक्टर साहब से? कितने का है भैया? 110 रुपये का है। ये ट्यूब ले लिया हूँ 110 रुपये का, हॉस्पिटल से लेता है तो फिर फ्री में मिल जाता है, लेकिन पता नहीं बेटा तेरा नाक कब ठीक होता फिर। आह शाबाश। तो दोस्तों यहाँ पे रोहित शर्मा को बधाई हो 100 का, और ये इंडिया के मतलब इंडिया की तरफ से 100 सबसे ज़्यादा मारे हैं, मतलब अभी तक वर्ल्ड कप में। ये 145 पे जीरो मतलब खेला है, 11 ओवर में 122 था। जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो मैं बोल रहा था कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, उसके बाद ना फिर मैं बाजार चला गया। उसके बाद मैं बाजार चला गया, उसके बाद देखो ये आया एक और 6। हाँ सही में 6 यार। कौन है? ईशान किशन है। वेल डन रोहित शर्मा, क्या डबल सेंचुरी मारेगा? पता नहीं, बहुत रन बचा है। डबल सेंचुरी देखते हैं, डबल सेंचुरी मारता है कि नहीं। इंडिया तो जीत गया। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और शानदार व्लॉग में। और आज बाजार था तो अभी मैं शाम को गया था बाजार, लेकिन मेरे को दोनों तो दिखाई नहीं दिया। अभी जा कर देखता हूँ, शायद 9 बजे के आसपास शायद दोनों मिल जाए, तो मतलब कल सुबह सुबह जाकर देखूँगा, मिल जाएगा तो सही रहेगा। नहीं मिलेगा तो बगल वाली दुकानों में ना, मैं 50 किलो आया था, 60 रुपये का एक गड्डी देते हैं हरा वाला दोनों, वो भी मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।